फैमिली, आज का हमारा टॉपिक है उद्योग, मतलब आज हम जानेंगे इंडस्ट्री के बारे में। हम सुनते हैं उद्योग क्या होता है, उसमें कैसे वस्तुएं बनती है, तो इन सब के बारे में आज हम जान लेते हैं कि कैसे मार्केट में जो ये वस्तुएं मिलती है और जो हमारे उपयोग में आती है वो सब बनती कहाँ से है, उनका निर्माण कहाँ होता है। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि उद्योग क्या है और इसकी क्या विशेषता होती है। तो सिंपल सा मतलब होता है कि किसी नई वस्तु का निर्माण करना ही उद्योग कहलाता है। अब जब आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हो तो सबसे पहले वो वस्तु आई कहाँ से, तो वस्तु हमें नेचर मतलब प्रकृति से मिलती है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूँ कि कुछ मिट्टी के टुकड़े हैं, अब इन मिट्टी के टुकड़ों से यहाँ हम एक मटका बना लेते हैं या फिर मटके के अंदर हम कोई दिया वगैरह यहाँ बना लेते हैं। तो जब हमने मिट्टी से मटका या दिए जो कोई भी चीज़ बनाई है उसे ही उद्योग कहा जाता है। लेकिन केवल किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन करना उद्योग नहीं कहलाता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह व्यक्तियों के उपयोग में आना चाहिए जो भी आप वस्तु बना रहे हो। और उससे भी इम्पोर्टेंट, आपने जो कोई भी वस्तु बनाई है वह बेचने योग्य हो, मतलब आप उसको बेचकर कोई पैसा कमा सको, तब जाके उसे हम उद्योग कहते हैं। और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना या कपास से कपड़ा बनाना, ये सब क्या है, उद्योग है। उद्योग के अंतर्गत अब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती है। जैसी एक वस्तु बनती है यहाँ पर पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है जिनमें मशीनें बनाई जाती है, जैसे सिलाई मशीन बनी है, तो सिलाई मशीन से क्या हो रहा है, अब उत्पादन हो रहा है। कहने का मतलब पूंजीगत वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें दूसरे उद्योग उत्पादन करने के उपयोग में लाते हैं। सेकंड आता है इसके अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु। अब उपभोक्ता वस्तु कौन होती है, जिन्हें हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, जैसे कपड़ा, दवाइयाँ, ये सारी उपभोक्ता वस्तु। और थर्ड होती है इसमें मध्यवर्ती वस्तु, मतलब कि वो वस्तुएं जो दूसरे उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के रूप में होती है, जैसे धागा। अब इससे कपड़े बनाएगा दूसरा उद्योग, तो धागा उस उद्योग के लिए क्या हो गया, कच्चा माल। तो कुछ इस तरह की वस्तु उद्योग के अंतर्गत बनती है। अब जानो इसकी क्या विशेषताएँ होती है। पहला है इसमें उपयोगिता का सृजन, दूसरा प्रमुख क्रिया, फिर तीसरा दिया है विक्रय योग्य बनाना, कला एवं विज्ञान भी बोला गया है उद्योग को, उद्योग की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि उत्पादन करना, और लास्ट है इसमें कच्चे माल का परिवर्तन। अब इनकी डिटेल को अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है उपयोगिता का सृजन करना, मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब भी कोई वस्तु बनाई जा रही है तो उसमें उपयोगिता का सृजन, सृजन मतलब होता है रचना या मानव या व्यक्ति के उपयोग में वो होनी चाहिए, जिससे क्या हो, वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाए। जैसे मिट्टी थी, अब मिट्टी का क्या मोल है, कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जब उससे मटका बन गया, दिए बन गए, तो उसकी लागत में वृद्धि हुई ना, मतलब उस कॉस्ट, मतलब कहीं ना कहीं वह उसकी एक कीमत निर्धारित हो गई। सेकंड है इसमें प्रमुख क्रिया, उद्योग व्यवसाय की प्रमुख क्रिया है। उद्योग बिना उद्योग के व्यवसाय नहीं किया जा सकता, यह एक आर्थिक क्रिया होती है। देखो बिजनेस में जो कोई भी गुड्स वगैरह होती है तो इनका प्रोडक्शन इंडस्ट्री मतलब उद्योग में ही होता है। सबसे पहले वस्तुएं उद्योग में बनती है, फिर मार्केट तक वो आती है, और फिर व्यापारियों द्वारा उन वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है और पैसा कमाया जाता है। अगर उद्योग ही नहीं होगा तो किसी प्रकार के व्यापार व्यवसाय भी नहीं होंगे। थर्ड देखो विक्रय योग्य बनाना, हमने जाना था कि उद्योगों में जो भी वस्तुएं बन रही है उनकी कोई ना कोई कीमत होनी चाहिए, मतलब उसे बेचा जा सके, ऐसी वस्तुएं हमें बनानी है। तो तीसरी विशेषता हो गई कि उद्योग में वस्तु बिक्री योग्य होनी चाहिए, उद्योग से निर्मित माल अधिक उपयोगी होता है। फोर्थ है इसमें कला एवं विज्ञान दोनों, उद्योग को कला और विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि इसमें विज्ञान के नियमों की भांति कुछ नियमों के आधार पर वस्तुएं बनाई जाती है और फिर उनको एक आदर्श रूप प्रदान कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कला। जैसे इसमें लिखा है कि उत्पादन विज्ञान की भांति मतलब विज्ञान की तरह कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है, और विक्रय जब हम उस वस्तु की क्या
करते हैं, बिक्री करते हैं, तो बिक्री करने के लिए हमें हर एक पर्सन को कन्विंस करना होता है, जैसे मार्केटिंग में होता है ना, व्यक्तियों को कन्विंस करके वस्तुओं को बेचना, तो ये क्या कहलाती है? कला। तो इस कारण उद्योग को कला तथा विज्ञान कहा गया है। अगला है इसमें उत्पादन करना। उद्योग में वस्तु के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में रूप परिवर्तन की क्रिया कर उत्पादन किया जाता है। मतलब वो बोल रहा है कि उद्योग क्या है? उद्योग रूप परिवर्तन की एक क्रिया है। रूप परिवर्तन मतलब प्रकृति से जो कच्चा माल मिला है उसके रूप को परिवर्तित करना। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, कपास से कपड़ा, गन्ने से शक्कर बनाना, या फिर हमने जाना मिट्टी से मटके बनाना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिर एक कच्चे माल का परिवर्तन, उद्योग क्या करता है? कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करता है। जो अनिर्मित माल है उसको निर्मित करने का कार्य करता है और उसे विक्रय योग्य अवस्था में पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुई उद्योग की विशेषता। अब इस संबंध में हम बोल सकते हैं निष्कर्ष रूप से कि प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करना ही उद्योग है। कहने का मतलब है प्रकृति से जो कोई वस्तुएं है उन्हें किसी व्यक्तियों के उपयोग हेतु बनाना, बिक्री योग्य बनाना और जिससे एक व्यक्ति पैसा कमा सके, ये सारे कार्य उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।